कोई गलती नहीं हुई थी। हम वैज्ञानिक सोच को समाज में स्थापित करेंगे और करेंगे। संविधान अंधविश्वास पे बोलने का अधिकार देता है। संविधान हमको धर्म मानने या न मानने का अधिकार देता है। हम उस अधिकार पे कायम रहेंगे। तो मैं एक पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई पागल इंसान किसी को निर्वस्त्र कर दे तो उसको कपड़ा पहनाइएगा कि उसको बाँह पकड़ के पूरा मार्केट में घुमाइएगा? ठीक है, तो ये मार्केट में घुमाने का काम कौन सा एक तथाकथित जातिवादी मानसिकता के चैनल लोग कर रहे हैं, तथाकथित सामंती मानसिकता के जो पोर्टल लोग हैं उन्होंने शुरू किया है। तो हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम अम्बेडकर बात पे, लोहिया बात पे, कर्पूरी बात पे हम और गौतम बुद्ध के रास्ते पे, जगदेव बाबू के रास्ते पे हम कायम हैं। मतलब नमस्कार, मैं हूँ विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। हाल के दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो मखदुमपुर के राजद विधायक सतीश कुमार दास का बताया जा रहा है और उस वीडियो में हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपशब्द कहा जा रहा है। यह वीडियो पुरानी है लेकिन सोशल मीडिया इसे ताज़ा बना रही है और दावा कर रही है कि ये विधायक चुनाव जीतने के बाद वीडियो वायरल हुआ है। जो घटना हुई है वो किसी सभा में दिया हुआ बयान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RJD के विधायक सतीश दास। सतीश जी, सबसे पहले आपको स्वागत है बिहार लाइव सेवन में। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है पिछले कई दिन से, उसमें आप हिंदू देवी देवता को लेकर के अपशब्द कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो जो दिखाया गया है ये लगभग 4 साल पुराना वीडियो है, उसमें भी छेड़छाड़ किया गया है और ये एक बंद कमरे में बंद जगह पर एक कार्यक्रम है जहाँ पे अंधविश्वास भगाओ, छुआछूत निवारण मोर्चा, अर्जक संघ, अंबेडकर संघर्ष मोर्चा का संयुक्त कार्यक्रम चल रहा था, जिस कार्यक्रम में हम अपने जो वहाँ मौजूद जो लोग थे उनके बीच में वर्षों से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर जिसमें बड़े बड़े नेता भी भाग लेते हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा का जो मेला लगता है उसमें भी किया जाता है। तो संविधान ये अधिकार देता है कि यदि कहीं अंधविश्वास है, कहीं भेदभाव है तो उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करो, अंधविश्वास को भगाओ। तो हम वहाँ पर जो बात बोल रहे हैं उसमें छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है सतीश जी, लेकिन दावा कर रहे हैं लोग कि आपकी बात जो है वो पूर्णतः स्पष्ट है, आप ही की आवाज़ है और उसमें वो शंकर भगवान को लेकर, दुर्गा माता को लेकर आप अपशब्द कह रहे हैं। नहीं, कोई अपशब्द नहीं कर रहे, हम तो सवाल लोगों से पूछ रहे हैं। लोग जवाब दे रहे हैं, उन्हीं का हम जवाब दे रहे हैं। हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि आज इतनी शक्ति की देवी जिनको दुर्गा माता हम सब लोग कहते हैं, उनमें बहुत लोग उनके आस्था रखते हैं, उनके सभी हाथों में तलवार हथियार है, उसके बावजूद भी 2 साल 4 साल 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहा है। तो भाई ये जो शेर पे सवार लोग हैं, जो शक्ति की देवी उनको बता रहे हैं, तो इस पर रोक कौन, किनकी जिम्मेदारी है लगाना? ये जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो इतना बड़ा कुकर्म किसके मर्जी से हो रहा है जो ये लोग बताते हैं समाज में, ईश्वर को इस रूप में जो समाज में पेश करते हैं। हमारा उनसे सवाल है, हमारा उनसे सवाल है कि भारत के जो शूद्र समाज है जिसको हिंदू धर्म में कोई जगह स्थान प्राप्त नहीं है, शूद्र मतलब सेवा करने वाला, शूद्र में भारत की 85% से ज़्यादा आबादी आती है, क्या अगर हिंदू उनको मानते हैं तो भारत के 4 शंकराचार्य में से 3 शंकराचार्य इन समाज से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत के तमाम जो मंदिर और मठ में जो संपत्ति जो अर्जित है वो इन तमाम लोगों का है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का है? तो सतीश जी, विरोध करने का अर्थ तो ये नहीं है कि आप भगवान को ही गालियां देना शुरू कर दें। जिस हिंदू धर्म पर लोग आस्था है, विश्वास है, बड़े संख्या में लोग मानते हैं, सारे लोग भगवान कह रहे हैं, आप उनको अपशब्द कह रहे हैं? देखिए, आस्था अलग चीज़ होता है, अंधविश्वास अलग चीज़ होता है। यदि आप गणेश को दूध पिलाएंगे और उसको कहिएगा आस्था है, तो हम अगर वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं हम उसको अंधविश्वास कहेंगे। यदि आप ये जबरन एक थोपने की कोशिश कीजिएगा कि इनकी पूजा करो
तुम्हारी गरीबी ख़त्म हो जाएगा, और उसकी गरीबी बरसों बरसों से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये अंधविश्वास है। आप यहाँ जल जाओ, चढ़ा दो, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, और बरसों बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो जल चढ़ाते आ रहे हो और उसका कष्ट नहीं ख़त्म हो रहा है, वो और गरीब होता जा रहा है और फटहाल होता जा रहा है, तो सवाल तो उठता है ना उन ऐसे लोगों पे जो ईश्वर को इस रूप में पेश करते हैं। तो जो तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उनसे यह सवाल है कि भारत के बहुसंख्यक समाज शुद्ध समाज को हिंदू मानते हैं कि नहीं, वही मनुस्मृति वाला ही मानते हैं कि ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सब तारण के अधिकारी। तो आपको सतीश दास को आज मखदुमपुर का विधायक क्यों बनाया गया? अगर आपको नहीं माना जाता तो आप विधायक नहीं होते। तो विधायक के रूप में हमारा काम को देखिए, जब हमने शपथ नहीं लिया था, जो पवित्र जो पर्व है छठ, लोक आस्था का पर्व जिसको कहा जाता है, उसमें हमारी भूमिका क्या थी? हमने एक एक घाट का निरीक्षण किया, एक ये श्योर किया कि हमारी माँ बहनों का कपड़ा चेंज करने का रूम बना के नहीं, उनको नेचर कॉल का जगह बना के नहीं बना, इन तमाम चीज़ों को मैंने श्योर करके छठ पर्व को संपन्न कराया। हम ये श्योर कर रहे हैं कि वहाँ पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको कैसे हम दुरुस्त कर सकें। हम ये श्योर कर रहे हैं जो बरसों से जो सूअर चराने वालों, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वालों, ये तमाम लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो कैसे पढ़ सके, हम गांव-गांव घूम करके अम्बेडकर ज्ञान केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, हम वहां पर शिक्षा का माहौल बन सके, इसलिए हम घोषणा कर रहे हैं कि हम प्रथम वित्तीय वर्ष की पूरी राशि हम अम्बेडकर पुस्तकालय बनाने पर खर्च करेंगे। तो हम तो काम कर रहे हैं। हम NH-83 का जो मामला था, जो 2011 से लंबित था, उस मामले को बगैर भेदभाव के, बगैर जात पात के, उस मामले का समाधान हो सके, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने आंदोलन की घोषणा की, उसके बाद जिला प्रशासन से वार्ता हुआ, हम जन अदालत लगा करके जिले के तमाम पदाधिकारी को बैठा करके हमने उनके समस्या का समाधान कराने का काम किया। तो कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा, टेम्पू स्टैंड में जो अवैध वसूली हो रही थी, हमने वहाँ पर जाकर वैज्ञानिक तर्क को दिखाकर आप जो है हिंदू के धर्म को या फिर हिंदू के धर्म को मानने वाले को ठेकेदार कैसे कह सकते हैं विधायक जी? हम वैज्ञानिक सोच के लोग हैं। जो लोग मान रहे हैं कि शंकर भगवान है तो भगवान है, वैज्ञानिक सोच की एक लंबी परंपरा है, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे संत शिरोमणि रैदास हो, पेरियार हो, रामास्वामी नायकर हो, सावित्री भाई फूले हो, राय मोहन राय जी हो, या फिर डॉक्टर अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो, या जगदेव बाबू हो, या लालू प्रसाद यादव हो, इन तमाम लोगों ने एक समाज में वैज्ञानिक सोच स्थापित करने का काम किया है, एक लंबी फेहरिस्त है। या एम हॉकिंस जो अभी वर्तमान जो साइंटिस्ट बने, उन्होंने भी ऐसे अस्तित्व को नकारा है। तो हम इस कहना चाहते हैं कि जब कोरोना रूपी संकट जब देश पे मराया, दुनिया पे मराया, तो देश के और खास करके भारत के तमाम मंदिर मस्जिद को क्यों बंद कर दिया गया? क्यों, क्या जो वैक्सीन बना वो कहाँ बना? ये वैक्सीन जो बना रिसर्च सेंटर में बना कि किसी धार्मिक सेंटर में बना? तो लोगों का जान बचाने का काम वैज्ञानिक सोच से ही पैदा हो रहा है। कोरोना से लोग को बचाने का, वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाया उससे ही लोग बच सकते हैं। कोई भभूत से कोरोना नहीं भागने वाला है, ये देश को बताने में हमको कोई गुरेज नहीं है। आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, राजद के विधायक हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे भी इस तरीके के बयान आप देते रहेंगे? हम जिम्मेवार पद पे हैं, हमने अधिकार देता है, संविधान अंधविश्वास पे बोलने का अधिकार देता है, संविधान हमको धर्म मानने या न मानने का अधिकार देता है, हम उस अधिकार पे कायम रहेंगे। लेकिन खुले में आपको ये कहने का अधिकार भी नहीं है कि आप किसी को कहें कि इस धर्म को नहीं माने, इस धर्म को नहीं माने। हमने तो खुले में कहा नहीं, ये 4 साल पुराना वीडियो था और उसमें छेड़छाड़ करके पेज पर से उठाया गया है। तो मैं एक पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई पागल इंसान किसी को निर्वस्त्र कर दे तो उसको कपड़ा पहनाइएगा कि उसको बाँह पकड़ के पूरा मार्केट में घुमाइएगा? ठीक है, तो ये मार्केट में घुमाने का काम कौन सा एक तथाकथित जातिवादी मानसिकता के चैनल लोग कर रहे हैं, तथाकथित सामंती मानसिकता के जो पोर्टल लोग हैं उन्होंने शुरू किया है? तो हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम अम्बेडकर बात पे, लोहिया बात पे, कर्पूरी बात पे हम, और गौतम बुद्ध के रास्ते पे, जगदेव बाबू के रास्ते पे हम कायम हैं। मतलब सतीश दास ये मानते हैं कि वो गलती हुई थी, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है बल्कि आगे सुधारने की। कोई गलती नहीं हुई थी, हम वैज्ञानिक सोच को समाज में स्थापित करेंगे और करेंगे। तो ये अभी हमारे साथ सतीश दास थे, इनका कहना है कि जो वैज्ञानिक तर्क है उस तर्क को हमने दिया है,
हिंदू धर्म को ठेस पहुंच रहा है या मुस्लिम धर्म को ठेस पहुंच रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो तर्क है उस तर्क को हम आगे भी देते रहेंगे और अंधविश्वास पर हम लोगों को भरोसा करने की बात नहीं कहेंगे। हालांकि विधायक जी के बात से आप कितना सहमत हैं या नहीं सहमत हैं ये तो तय करना आपका है, क्योंकि ये विधायक भी आपके ही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव सेवन।